Welcome everyone. In the previous lecture, we'll talk on the skeleton system of this chapter. Locomotion and movement में हम लोग ने skeleton को खत्म किया था. आज हम लोग discuss करेंगे muscles को. Muscles अगर देखें तो muscles कितनी present होती human beings में, तो 639 muscles present होती है. Muscles की study को मायोलॉजी कहते हैं और इसको दूसरे नाम से सार्कोलॉजी भी कहते हैं. क्लियर? अब मायो और ये मसल्स में स्मॉलेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल्स और लार्जेस्ट मसल भी जानना जरूरी है. तो हम यहां पर देख लेते हैं लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड दी स्मॉलेस्ट मसल्स. लॉन्गेस्ट मसल जो है आपकी वो है सार्टोरियस, सार्टोरियस एंड लार्जेस्ट इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस, स्मॉलेस्ट इज योर स्टेपीडियस. ये जो स्टेप्स होती हैं उस पे मसल्स होती हैं, तो स्टेपिडियस ये ग्लूटियस मैक्सिमस ये हिप के रीजन बटॉक्स रीजन पर, सार्टोरियस ये आपकी लॉन्गेस्ट है तो ये फीमर वाली जो बोन्स है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं. तो ये हुआ ब्रीफ डिस्कशन. टाइप्स ऑफ मसल्स अगर देखें तो 3 टाइप्स हैं. पहला है आपका स्केलेटल मसल, द सेकेंड वन इज विसरल, थर्ड वन इज कार्डियक. स्केलेटल आपका वॉलेंट्री है, विसरल इनवॉलेंट्री, कार्डियक भी आपका इनवॉलेंट्री है. क्लियर? स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, कंट्रोल नॉट आर कंट्रोल, नॉट आर कंट्रोल. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये आपके यूनि न्यूक्लिएटेड यहां पे भी आपका यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं. अब देखिए ये इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री ये भी है, नॉट अंडर कंट्रोल यूनि न्यूक्लिएट, सारे जो कैरेक्टर्स है इसी में आ रहे हैं. फिर इसको अलग क्यों रखा गया है? अलग रखने का कारण ये है कि इसमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर बैंड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और यहां पर भी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर टू स्ट्रेटेड मसल्स एंड फंक्शनली सिमिलर टू विसरल मसल. तो ये स्ट्रक्चर में यहां पर इनके जैसे हैं और फंक्शनल में विसरल के जैसे हैं, इस वजह से ये आपका 3 डिवीजन है. अब हमें जो पढ़ना है मेन वो इसी बैंड्स वगैरह को पढ़ना है, इसको डिटेल में. बाकी हम लोग इसको जानते हैं, इसको स्मूथ मसल्स, इसको स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं. क्लियर? तो हम लोग टीएस ऑफ मसल्स को देखते हैं और विद ब्यूटीफुल डायग्राम. क्लियर? अब मसल्स को अगर देखें ये अगर मसल्स का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं,
जो सबसे बाहर की लेयर है वो आपके इपी कार्डियम, क्लियर, इपी माइसियम सबसे बाहर की लेयर है, इसे बोलते हैं इपी माइसियम। सेकेंड लेयर दिस इज कॉल्ड द पेरी माइसियम। अब इस यहां पे जो थर्ड लेयर है ये दिस इज कॉल्ड द एंडो माइसियम, क्लियर। अब ये अंदर जो है ये मसल्स होती हैं, ठीक है, ये मसल्स की लेयर है, तो ये इसके एक सेल को बोलते हैं मायोसाइट्स, या इसको मसल सेल भी आप कह सकते हैं, क्लियर, या मसल्स फाइबर भी आप कहते हैं, मसल्स फाइबर, क्लियर। पर इस पूरे ब्रांच को हम मस्कुलर फैसिकुलाई कहते हैं, या मसल्स और ये पूरे कनेक्टिव टिश्यू से आपके बिल्ड होते हैं। नाउ दीज मसल्स आर जॉइंट, ये सब में ऐसे दे आर जॉइंट बाय अ मसल्स फाइबर, दीज फाइबर्स इज कॉल्ड दी फेसिया। तो ये आपका टीएस ऑफ मसल्स है, जिसको आप समझ सकते हैं आउटर लेयर आपकी एपिमाइसियम, फिर अंदर जो सेकेंड लेयर है पेरिमाइसियम, थर्ड लेयर है जो एंडोमाइसियम। अब इस मसल्स के बंडल्स को बोलते हैं मसल्स फेसिकुलाई, इसके एक सेल्स को बोलेंगे मसल फाइबर, मायोसाइट्स या मसल सेल्स। ये पूरे कनेक्टिव टिश्यू से भरे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मसल्स की मोस्ट ऑफ द ओरिजिन जो है आपकी मीजोडर्म से है, और कुछ एक्सेप्शन है जैसे सीरियरी मसल्स, आइरिस मसल्स, वो है उनकी एंडोडर्म से ओरिजिन है, पर ज्यादा से ज्यादा जो ओरिजिन है वो आपकी मीजोडर्म से ओरिजिन है। तो ये हुआ आपका टीएस। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर देखते हैं, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल यूनिट है, सार्कोमियर जो है आपके कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, अब ये क्या है आपको हमने बताया कि डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, डार्क बैंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द डार्क बैंड, ये रीजन जो हो गया ये आपका डार्क बैंड, और ये जो खाली है ये हुआ आपका लाइट बैंड। अब इसी को हम देखेंगे ब्रॉड व्यू में, जिससे आपको क्लियर हो जाए और कौन कौन से जोन होते हैं, कौन कौन सी लाइन प्रेजेंट होती है, तो हम लोगों को एकदम डिटेल में पता चल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एम लाइन। सेंटर में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं एम लाइन। इसी एम लाइन से आपके मायोफिब्रिल्स अटैच्ड होते हैं, मायोफिब्रिल्स अटैच्ड होते हैं। और इसके साइड्स में आपके जेड लाइन, zigzag z line प्रेजेंट, z line।
अब ये जेड लाइन जो है आपके ट्यूबुलिन से कवर होती है, ये ट्रांसवर्स लाइन होती है, ट्यूबुलिन टी ट्यूबुलिन बी से कहते हैं। क्लियर दोनों साइड्स। अब इसी जेड लाइन से आपका यहाँ एक्टिन जो है कि आधे एक्टिन इधर से और आधे ऐसे इधर भी हाफ से इधर कवर। क्लियर। अब देखिए एम लाइन से जो अटैच है ये आपका डार्क बैंड और इसी को बोलते हैं ए बैंड। इसमें जो प्रोटीन होता है इसको बोलते हैं मायोसिन, ठीक है। और ये जो लाइट वाले हैं ये आपका आई बैंड। क्लियर। इसमें जो प्रोटीन होता है वो है आपका एक्टिन। बोथ साइड जेड लाइन, यहाँ पर जेड से जेड लाइन से जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं सार्कोमियर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये जो ओवरलैप कर रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ओवरलैप करता है, इसको बोलते हैं ओ जोन। बोथ साइड ओ जोन। अब जितना ओवरलैप नहीं करता है उसे हम बोलते हैं एच जोन। क्लियर। यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि सबसे सेंटर में है वो एम लाइन है, एम लाइन से जुड़ी हुई रहती है, उसको बोलते हैं ए बैंड, डार्क बैंड या मायोसिन। ये थिक होते हैं। कैसे होते हैं? थिक होते हैं। एक्टिन क्या होते हैं? थिन होते हैं। क्लियर। मायोसिन एम लाइन से देखिए, यहाँ पे एम थ्री से याद कर लीजिए इसे, एम थ्री मतलब एम लाइन, इसमें मायोसिन प्रेजेंट है और ये मोटी होती है मतलब ठीक होते हैं। तो एम थ्री से आप याद कर लेंगे इसे तो आपको पता रहे एम लाइन से कौन अटैच होती है। और ये ओवरलैप वाले रीजन को ओ जोन कहते हैं, हाफ साइड जेड लाइन के और हाफ साइड इधर कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आई बैंड। आई मीन्स आइसो ट्रॉपिक, एन और ए मतलब एन आइसो ट्रॉपिक। जेड लाइन जिगजैग होती है, यहाँ पे ट्यूबलिन है, प्लस आपके इसके लेयर को, अगर जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो मसल्स की लेयर को बोलते हैं हम, मान लीजिए लेयर है तो यहाँ पे सार्को लेमा कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है यहाँ सार्को प्लाज्म होता है, सार्को प्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्लियर। और या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सार्को रेटिकुलम, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कैल्शियम आयन का स्टोरेज करता है, स्टोर का कैल्शियम आयन। तो ये आपका एक यूनिट है सार्कोमियर, अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमने सारी चीजें बताई, एम लाइन, ओ जोन, जेड जोन, और आपको जेड लाइन यहाँ पे ट्यूबुलिन है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का स्टोरेज होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको अगर बताते हैं तो आप कहीं भी से लिखिए कि एक मायोसिन, वन मायोसिन, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय, ये सराउंडेड होते हैं
बाय सिक्स एक्टिन मॉलिक्यूल या सिक्स एक्टिन, और वन एक्टिन इज सराउंडेड बाय थ्री मायोसिन। इसका भी हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, पहले आप लिख लीजिए। ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है, सारे बैंड्स और जोन और लाइन सब आपको क्लियर कर दिया, कौन सा थिन होता है कौन सा थिक होता है। ये प्रोटीन है एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन है। अभी मायोसिन और एक्टिन का भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे अलग से। तो पहले ये लिख लीजिए, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय सिक्स एक्टिन एंड वन एक्टिन इज सराउंडेड बाय थ्री मायोसिन। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मायोसिन और एक्टिन को देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू। देखिए ये वन एक्टिन और मायोसिन का क्या रोल है। मान लीजिए ये एक्टिन है, वन एक्टिन इज सराउंडेड बाय थ्री मायोसिन। तो वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय सिक्स एक्टिन, ये बात क्लियर हो गई। पर एक्टिन जो है आपका सराउंडेड बाय थ्री, तो यहां पर एक बना दीजिए, एक यहां बनाए, लेकिन दो ये हैं, तीन चार पांच छह, तीन इधर हो गया, चार पांच छह, क्लियर होगी बात। देखिए अगर इसको देखते हैं तो वन इज सराउंडेड बाय सिक्स, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय सिक्स एक्टिन। अब सेकंड इसको देखिए, वन इज सराउंडेड बाय सिक्स, यहां पे वन थ्री एंड थ्री, ये हो गया आपका वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय सिक्स एक्टिन, ये आपका एक्टिन है और ये आपका अंदर वाली मायोसिन। वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय सिक्स एक्टिन एंड मायोसिन इज सराउंडेड बाय एक्टिन और एक्टिन सराउंडेड बाय मायोसिन है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन एंड द एक्टिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मायोसिन को, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो मायोसिन फिलामेंट क्लियर, ये प्राइमरी पॉलीमर है, डबल लेयर है, इस तरीके से आपके होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका टेल रीजन होता है, और ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, और दो बाइंडिंग साइड होती है आपको, एक एटीपी बाइंडिंग साइड होती है, एटीपी बाइंडिंग साइड, एंड द सेकेंड वन इज योर एक्टिन बाइंडिंग साइड, एक्टिन बाइंडिंग
तो दोनों में होते हैं और ये रीजन आपका हेड रीजन होता है, हेड रीजन। अब ये जो रीजन है ये लाइट मीरोमायोसिन और ये जो रीजन है ये हैवी मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन एक प्रोटीन है, ठीक है, इसके बेस पर मसल्स दो टाइप के होते हैं, रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स, रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स ये है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, मायोसिन फिलामेंट का। इसी एक्टिन और एटीपी बाइंडिंग साइट्स में एक्टिन जो है कि इसमें फिट होते हैं और इसका मूवमेंट होता है। आपको एक चीज ये बता दें, जो मूवमेंट होता है मसल्स का वो एक्टिन का ही होता है, ठीक है, मायोसिन का नहीं होता है, क्लियर, मायोसिन का नहीं होता है क्योंकि ये थिक होते हैं, आपको हमने पीछे बताया ये क्या होते हैं, थिन होते हैं, जो थिन होते हैं वही मूव करते हैं, इनके पास बाइंडिंग साइट्स है जो इसमें अभी मैकेनिज्म देखेंगे बाइंड करके इसको खींचता है, क्लियर। तो अभी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, दो है स्लाइडिंग थ्योरी हमें देखना है, हक्सले एंड हक्सले की, क्लियर। नेक्स्ट है एक्टिन फिलामेंट्स, अब देखिए एक्टिन का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही कॉइल्ड है, क्लियर, वहां पे भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक है ट्रोपोमायोसिन दूसरा है ट्रोपोनिन, जी ग्लोब्यूल से बनते हैं और उसको एफ फिलामेंट कहते हैं, एक्टिन, ठीक है। तो ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ग्लोबुलर्स के फॉर्म में, क्लियर, कॉइल्ड होते हैं, अगर कोई कॉइलिंग ऐसे तार के फॉर्म में कॉइल्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर कॉइल्ड होते हैं। तो ये जो है आपका जी एक्टिन है, एक को बोलते हैं और पूरे को बोलते हैं एफ एक्टिन, क्लियर, एफ एक्टिन बोलते हैं। और ये जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन पर आपके जो है कि पिन लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, बाइंडिंग इसको जो रोक के रखते हैं इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। जैसे मान ले इसके ऊपर हम कोई कॉइलिंग करते हैं तो ये जो आपका है ये ट्रोपोमायोसिन है, पर ये कॉइलिंग जो हो रही है ग्लोबुलर एफ फिलामेंट की, तो किसी एक पॉइंट पे इसको हुक करेंगे रोकने के लिए, ठीक है, तो वो आपका हो गया ट्रोपोनिन, क्लियर। अब यही स्ट्रक्चर है और इसी एफ फिलामेंट में यहाँ मैग्नीशियम का भी रोल होता है, ठीक है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं। और इसी ट्रोपोनिन में जो आपका है ट्रोपोनिन थ्री टाइप्स के हैं, क्लियर, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। सी इज फॉर द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, टी फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जो है इसको बाइंडिंग के लिए आपका है ट्रोपोमायोसिन, एंड आई फॉर इनहिबिट, इनहिबिट करता है कि ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपके प्रोटीन्स हैं और ये जी एक ग्लोब्यूल्स को बोलते हैं, एफ यहाँ पे आपके एफ फिलामेंट्स हैं जो इससे पूरे बने हैं। अब थ्योरी को देखते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट्स हजले की, हजले एंड हजले नाम के साइंटिस्ट हैं, उनकी ये थ्योरी है, हजले एंड हजले की।
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग आप समझ रहे हैं कि कैसे वो मूव करता है, स्लाइड करना। भी हमने आपको स्केलेटन सिस्टम बनाया था, जैसे आपकी डोर्स की जो स्लाइडिंग्स होती हैं या तो ऊपर या तो नीचे, पर नीचे वाले यहाँ पे मसल्स हैं, मसल्स आपकी लेफ्ट टू राइट जो है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से नहीं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो हम देखेंगे तो ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाया था जेड लाइन, यहाँ पे दिखाया था जेड लाइन, क्लियर। ऐसे जेड लाइन से क्या थे, एक्टिन थे लगे हुए, क्लियर। और यहां पर आपका था एम लाइन, एम लाइन से जुड़े हुए आप थे आपके मायोसिन। तो ये अगर और इसको बड़ा कर दें, ओवरलैपिंग अगर दिखाएं, तो यहां से बाइंड होंगे, इससे बाइंड होंगे और फिर इसको मूव कराएगा, इधर से इसको मूव कराएगा। तो ये क्या करेंगे, यही जो है कि मूव करते हैं। तो इसमें मूव करने पर क्या चीज डिक्रीज होगी, सार्कोमियर की यूनिट कम हो जाएगी, एच जोन कम हो जाएगा, पर आपका डार्क बैंड कम नहीं होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब देखिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है आपका, जिन्होंने दिया उनका नाम है हजले एंड हजले, हजले एंड हजले मतलब दो साइंटिस्ट हैं, हजले एंड हजले, क्लियर। और एक ए एफ हजले थे, दूसरे एच ई हजले हैं। इसमें हैंसन का भी नाम आता है, जो एच जोन वाले हैं वो हैंसन है, एच जोन, एच इज रिप्रेजेंटेटेड टू हैंसन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी जो एक्सॉन है, अगर न्यूरॉन पता होगा आपको, तो वहां से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जहां पर मसल्स प्लस आपके जो डेंड्राइट्स का जो लास्ट पार्ट जो है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, यहां से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एसिटिलकोलीन, एसिटिलकोलीन का सिक्रीशन होता है, जिससे कैल्शियम का रिमूवल होता है, कैल्शियम यहां से रिमूव होता है। आपको पता था कैल्शियम प्रेजेंट होता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहां स्टोर होता है, तो कैल्शियम रिमूव होता है फ्रॉम टी ट्यूबुलिन, क्लियर। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट है, वो भी क्या है, रिमूव हो जाते हैं। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपो मायोसिन भी रिमूव होते हैं, क्लियर। एक्टिन मायोसिन जो है जब ये बाइंड्स करते हैं तो क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं, जैसे अगर आपको दिखाएं, मान लीजिए ये एक्टिन है, और यहां पर मायोसिन है, तो ये अपना हेड रीजन आपको बताया था पीछे, हेड रीजन एक्टिन साइड और मायोसाइट एटीपेस बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट से इसको फिक्स करेगा इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है अब, इसी को क्रॉस आर्म कहते हैं, ठीक है, या क्रॉस ब्रिज कहते हैं, क्रॉस ब्रिज, ठीक है। अब जब ये इसमें फिट हो जाता है तो यही क्या होता है, ये थिक होते हैं, ये थिन होते हैं। आपको ये पता था कि एक्टिन क्या है, एक्टिन थिन होते हैं और ये थिक है, तो थिक है ये क्या करते हैं, इसको मूव करा देते हैं, कि जब मूव करेंगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहां पर एटीपी का रोल प्ले होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी रोल प्ले करता है, और एटीपी आपका एडीपी प्लस आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक भी होता है, ठीक है। तो एक बार एटीपी सिंथेसिस करेगा, इसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए खींचेगा, फिर पावर स्ट्रोक लगेगा, पावर स्ट्रोक के बाद ये
क्रॉस आर्म नीचे आ जाएगा तो ये वापस रिलैक्स जोन में चला जाएगा। तो वहां पे एटीपेस एंजाइम है जो आपका एटीपी को ब्रेक कर देगा। एटीपी यहाँ पावर स्ट्रोक लगेगा तो एटीपी को यहाँ पे डाइजेस्ट कर जाएगा और ये वापस अपनी जगह पर क्रॉस आर्म आपका नीचे वापस आ जाएगा। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपकी हजले एंड हजले की थी, इसमें कुछ नहीं है, बस मसल्स का मूवमेंट है। अब ये मूवमेंट जब हो जाएगा तो जो आपका सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें क्या क्या होगा, लेंथ ऑफ द सार्कोमियर डिक्रीज हो जाएगी। जो आपकी लेंथ है सार्कोमियर की वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, कैसे डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो जेड लाइन थी आपकी, जेड लाइन के दोनों साइड आपके एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट थे तो ये ही मूव करेंगे तो आपके सार्कोमियर की लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जो आपका एच जोन था, जो ये जो ओवरलैप कर रहा था वो था, जितने बच रहे थे वो आपका एच जोन था। तो एच बैंड या एच जोन जो है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाए, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी तो ओ बैंड जो है कि इंक्रीज करेगा, एच जोन डिक्रीज करेगा, ओ जो ओवरलैप है ओ बैंड इंक्रीज कर जाएगा। पर आपका जो एच जोन है, जो ये वाला था, ये इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो आपका डार्क बैंड कहिए, डार्क बैंड या तो कहिए ए बैंड रिमेंस द सेम। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन कम हो रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन सेम है, इसी थ्योरी के बेस पर आपका नीट का एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी है आपका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एल्बर्ट एंड गोंगी का, उसमें क्या है, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का रोल है, बाकी है ऐसे ही पूरा सेम। ठीक है, तो बस आप इतना उसमें जान लीजिए, एल्बर्ट एंड गुआनी का मसल कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें क्या है कि सबसे पहले पोलर फिर डीपोलर हो जाता है, सेम प्रोसेस सेम है। ठीक है, फिर वहां पर कैल्शियम जो है कि रिलीज होता है और एसिटिकोलिन पे आता है, यहाँ पे फिर मैग्नीशियम जो है कि एक्टिव हो जाता है और यही मायोसिन फिलामेंट जो आपके क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेंगे और इसको मूवमेंट कराएंगे, पावर स्ट्रोक लगेगा फिर वापस आ जाते हैं। तो यही था आपका मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका हजले अजले एंड हैंसन्स का भी नाम लिख लीजिए, यहाँ पे हैंसन्स भी आते हैं, एच जोन वाले, जो एच जोन है आपका ये वाला एच जोन या एच बैंड जो है आपका जोन बैंड जो भी कहिए। तो हजले एंड हजले के नाम से ज्यादातर आता है, एच जान लीजिए आप होता क्या है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।